So today we are going to make a DIY resin art. अभी कैसा बन के निकलेगा वो भगवान जी के हाथ में। ये मैंने खुद बनाया। इतना खुद बनाया? खुद से बना दिया। Hi everyone, what's up? Welcome back to my channel and welcome back to another video. Today's video is going to be very different, very new. You must have read the title already and never thought that I'd be saying this, but today's video is going to be a craft video. Yes, you heard it right. I'm going to do art and craft today. You all know that my brother recently got married and there's this trend going on these days that jaymala jo hoti hai, uske jo flowers hote hai, usko permanently preserve karwate hai log. Insta ke small businesses chal rahe hain. So I also wanted to get that done for my brother. I was looking at Instagram pages and I even talked to one business owner. Order almost de chuki thi bas, but maine unko last moment pe mana kar diya. Mujhe ekdam se pata nahi kyun chul ja gayi. Maine kaha main dekhu to sahi ye banta kaise hai, isme samaan kya kya lagta hai. To maine ek YouTube video search kari to maine dekha itne sare logo ne ye khud bana rakha tha. I've seen a lot of videos of DIY resin art, so I thought that I want to do it too. And I'm not an art person, I'm not a craft person, but when it comes to expressing love for my favorite people, I get all क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक. स्कूल टाइम में तो मैं बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं थी, बट फिर भी मैंने अपने सारे फ्रेंड्स के लिए एक ना एक बर्थडे पे तो हैंडमेड कार्ड बना ही रखा है, स्टार स्टिकर्स एंड ऑल लगा के. तो मे बी आई कैन से दैट इट्स माई लव फॉर पीपल दैट मेक्स मी स्टेप आउट ऑफ माई क्रिएटिव कम्फर्ट जोन एंड मेक थिंग्स दैट आई हैव नेवर मेड बिफोर. सो टुडे वी आर गोइंग टू मेक अ DIY रेजिन आर्ट. इफ यू वांट टू नो हाउ दिस प्रोजेक्ट टर्न्स आउट, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. बट बिफोर दैट, इफ यू आर सीइंग दिस फेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, I am Shivani and I make beauty, fashion and lifestyle videos here on YouTube. Make sure to subscribe to my channel if you haven't already. I'm sure I'll have a great time here. Hit that bell icon as well so every time I upload a video, you get notified. Now without any further ado, let's get into the video. बस यहाँ पर सारा सामान है, but first thing first, these are the flowers. मेरे पास अब यही flowers बचे हैं. मैं उन लोगों के सामने कर नहीं सकती थी, तो मैं बस मौके ढूंढ रही थी कि मैं जैसे तैसे ये बनाऊ उनके पीछे से, बट वो डिले हो जा रहा था क्योंकि ऐसा मौका आ नहीं रहा था. बट देन गॉड हर्ड मी, भगवान जी ने उनको दो तीन दिन के लिए ट्रिप पे भेज दिया. सो नाउ दैट दे आर गॉन, आई कैन डू इट पीसफुली. बट द थिंग इज कि अब मैं तब इतने में मैं सारे फ्लावर्स नहीं प्रिजर्व कर पाई, कुछ काफी फ्लावर्स खराब हो गए थे अब तक, तो मैंने फेंक दी. आई ओनली दिस मच लेफ्ट, बट चल जाएंगे, इसमें ज्यादा फ्लावर्स लगते नहीं है. ओके, सो मेरी पर्सनल स्टोरी को साइड रख के हाउ टू डू इट उस पर वापस आते हैं. सो द फर्स्ट स्टेप इज टू माइक्रोवेव दीज फ्लावर्स फॉर एटलीस्ट 4 to 5 minutes, ताकि इनका मॉइस्चर अच्छे से निकल जाए और ये पूरी तरह ड्राई हो जाए. सो लेट्स गो. साइड करके न्यूज़पेपर वगैरह बचा के जमीन पर आ चुकी हूँ, क्योंकि क्राफ्ट का काम है, रिस्क नहीं लेने का. कुछ भी गंदा हो गया ड्राइंग रूम में तो पापा मेरी वैन में जा देंगे. एनीवेज, फर्स्ट आई टेल यू कि क्या क्या सामान चाहिए, फिर मैं फ्रेम क्लोजअप में ले आऊंगी ताकि आप देख पाओ मैं एक्चुअली में क्या कर रही हूँ. सो द फर्स्ट थिंग वी नीड इज ऑफकोर्स दिस रेजिन की किट. इसमें दो चीजें होती हैं, एक हार्डनर होता है एंड एक रेजिन ही होता है, दूसरा आइडिया. आई गॉट दिस फ्रॉम अमेजोन, और ये क्या मैंने सब कुछ ही अमेजोन से मंगवाया है. Was like the most expensive thing out of everything. Moving on, we need a silicone mold like this. आपको ये हर शेप में, बहुत सारे शेप से मिल जाएगा Amazon पे, जो आपको पसंद है अपनी चॉइस का वो आप मंगा लो. मुझे ऐसा लगा कि स्टेडियम में सर्कल में फोटोज भी अच्छे से आ जाएंगे, फ्लावर्स भी अच्छे से आ जाएंगे. सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग फॉर. नेक्स्ट आई हैव दिस गोल्डन सिल्वर एंड कॉपर फॉइल. ये थोड़ा सा एस्थेटिक लुक देता है, इसको सुंदर लगेगा इससे ये. और वैसे तो मुझे एक ही कलर चाहिए, बट ये तीन के पैक में आया था, सो आई कॉल्ड फॉर ऑल थ्री. एंड दिस इज नॉट फॉर यूज राइट नाउ, ये स्टैंड है, जब ये बन जाएगा तो इसके ऊपर रखने के लिए. अब इसको मिक्स करने के लिए ना प्रॉपर एक मिक्सिंग कप एंड इसका स्पैचुला वगैरह चाहिए होता है, जो कि मैं भूल गई लेना है एंड मेरे काम का भी नहीं है वो, बिकॉज मैं ये रोज रोज तो करने नहीं वाली. सो मैंने ये घर के देसी जुगाड़ लगाया, एक बड़ा सा कप पड़ा हुआ था एंड आई मिक्स इट विद द स्पून ओनली, बट द मेजरमेंट हैज टू बी एप्ट, तो इसलिए मैंने ये करछी उठा ली है. Let's start. Okay, so I'm unboxing the most important thing out of all the things that I got for this. I'm opening the resin art kit and it was from a brand called Epoch. This was a bestseller on Amazon, so I called for this one. एंड देन मैंने मोल्ड में फ्लावर्स प्लेस करने शुरू कर दिए. इसकी डिज़ाइनिंग आपको अपने हिसाब से करनी है. मेरे पास लीव्स जो बड़ी वाली थी वो इतनी थी कि मैं एक सर्कल बना पाऊँ, सो आई डिड दैट.
then the ratio of the hardener and the resin has to be 3:1 or 2.5:1. मतलब दोनों की अमाउंट इक्वल नहीं होनी चाहिए, रेजिन की अमाउंट थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए. एंड मेरे पास मेजरिंग कप नहीं था टू मेजर द एग्जैक्ट अमाउंट, सो मैंने ये करची से अंदाज़ा लगा लिया. बट आई विल सजेस्ट यू टू मेजर द एग्जैक्ट अमाउंट इफ इट्स पॉसिबल फॉर यू. एंड ये मैंने गलती से पहले स्पून निकाल लिया था, सो आफ्टर दैट आई यूज द सेम करची जिससे पहले मैंने रेजिन डाला था. एंड इट वर्कड आउट फाइन फॉर मी, मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई बाद में. सो मेरा अंदाज़ा ठीक निकला था. इसके बाद आपको इसको पूरे 10 मिनट तक अच्छे से स्टर करना है. एंड मेक श्योर कि आप स्पून बाहर नहीं निकाल रहे हो. दिस इज लाइक दी मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप उसको पूरे 10 मिनट तक अच्छे से स्टर करो, नॉट लेस देन दैट. चाहे अपने फ़ोन में टाइमर लगा लो. एंड उसके बाद आई लाइक गेव इट सम टाइम टू सेटल इन. एंड इतने में मैं अपने फ्लावर्स रिपेयर करने लग गई. जो मुझे मोटे मोटे लगाने थे वो मैंने लगा दिए. एंड द रिमेनिंग फ्लावर्स आई क्रश्ड देम ताकि वो एक थोड़े पाउडरी फॉर्म में आ जाए. एंड देन कम्स द मोस्ट एस्थेटिक थिंग आउट ऑफ एवरीथिंग, दिस ग्लिटर फॉइल. आई चोज गोल्ड कलर. एंड उसको भी मैंने थोड़ा सा क्रश करके मैंने फ्लावर्स में मिक्स कर लिया एंड एक मिक्सचर सॉर्ट ऑफ बना लिया. ये गोल्डन फॉइल मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है, अभी देखने में ज़्यादा लग रहा होगा, बट ये रेजिन में जैसे ही मिक्स होएगा ये थोड़ा श्रिंक हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डालना. एंड वंस दिस इज़ डन आई मिक्स द फ्लावर एंड फॉइल वाला मिक्सचर इन द रेजिन, क्योंकि मुझे उसको एक स्कैटर्ड लुक देनी थी, मुझे इसे माइंडफुली प्लेस नहीं करना था पूरा. And after that, I poured the resin in the mold. And this was like very satisfying and scary both at the same time. And make sure कि आप इसको अच्छे से spread कर रहे हो पूरा corner तक, कोई part रहना नहीं चाहिए because ultimately यही shape होने वाली है आपकी. एंड इस टाइम पर मेक श्योर कि आप फ्लावर्स को आपको जैसी प्लेसमेंट चाहिए आप वैसी दे दो. एंड इसको इवन कर दो अच्छे से. This is the situation right now, a little too messy, and here is my piece of art. मेरे को लग नहीं रहा ये ठीक बना है, क्योंकि एक तो मेरे को इसमें बबल्स दिखाई दे रहे हैं जो होने नहीं चाहिए, दूसरा ये वाइट से कलर का लग रहा है जो कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. सो आई डोंट नो, एक्सपेरिमेंट इज हाउ, पता नहीं क्या ही हो रहा है. फील सो वियर्ड, एक तरफ इसका ट्यूटोरियल बना रही हूँ, एक तरफ खुद ही शॉर्ट न्यू. बट दिस इज वॉट माई चैनल हैज ऑलवेज बिन ऑल अबाउट. आई एम लर्निंग एंड क्रिएटिंग साइमल्टेनियसली. अभी तो 2 दिन का प्रोसीजर और है. पहले 24 आवर्स सूखेगा, उसके बाद इसमें फोटो लगेगी एंड जो टेक्स्ट लगाना है वो लगेगा, उसके बाद इसके ऊपर एक और रेजिन की लेयर आएगी, ये फिर सूखेगा, ये परसों जाके बने. मैं इसको सूखने के लिए साइड रख रहे हैं, सामान समेटती हूँ. अभी कैसा बन के निकलेगा वो भगवान जी के हाथ में, बट जो चीज़ मैं दिल से करती हुई है उसमें मेरा हमेशा साथ देते हैं, सो आई एम श्योर इसमें भी दे ही देंगे. So it's more than 24 hours later and this is what it looks like. ये literally बाहर आने को भी ready है, ऐसे निकल रहा है साइड से, बट अभी मैं निकाल नहीं सकते बिकॉज अभी एक स्टेप और बाकी है. There's one mistake that I did. I'm not going to hide it. अब गलती हो गई तो हो गई. ये ना थोड़े से उबड़ खाबड़ से रह गए, कुछ flowers एक के ऊपर एक चढ़ गए, वो थोड़े से pointy हो गए, पूरा flat नहीं बना, which is a bit of a concern for me. बट मैं मदर सेइंग कि इससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो लेट्स सी. ये रेजिन और हार्डनर का मिक्सचर फिर से बना लिया, आज मिक्सचर कम बना है क्योंकि बस थोड़ा सा ही डालना है. एंड दिस इज माय पिक्चर, दिस इज अ वेरी स्पेशल मोमेंट एंड आई चोज दिस पिक्चर फॉर अ पर्टिकुलर रीजन. इट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट. ये भाभी की एंट्री के टाइम की फोटो है. शी वॉज गेटिंग ऑल इमोशनल, सो शिवम स्टेज से उतर कर उनके पास गया था. नॉर्मली ब्राइड स्टेज तक आती है, बट शिवम गया था बीच में. So it was a very special and a cute moment and a very awe moment. So I decided to take this picture and this will go here. And I could not get those golden stickers because I realized कि मैंने जगह नहीं छोड़ी उनकी. So I went for another print. मैंने ये कैनवा से लिख कर प्रिंट करके कट किया है, ये ऐसा दिखेगा. And this gap is my concern. ये जो gap आ रही है ये रेजिन से कवर होगा कि नहीं, ये gap इसलिए आ रहा है बिकॉज इट इज़ नॉट इवन फ्रॉम द बॉटम, बट लेट्स सी. ओके, सो माई वॉइस ओवर वर्जन इज बैक एंड नाउ इज द टाइम टू लाइक प्लेस द क्लियर रेजिन ऑन टॉप ऑफ इट. दिस इज द फाइनल स्टेप, सो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से स्मूथ कर रहे हो. दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेयर एंड आई डिड नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट गैप बिकॉज जब भी पूरा बन के निकला तो वो गैप अपने आप कवर हो गया था रेजिन से ही, सो आई वॉज गेटिंग वरीड फॉर नथिंग. बट अल्टीमेटली हियर इज द रिजल्ट, इट्स आफ्टर 24 आवर्स आई गेस एंड इट लुक्ड प्रीटी डिसेंट. एंड एट दिस पॉइंट आई वॉज सुपर एक्साइटेड टू रिमूव इट. Removing it was pretty satisfying and it turned out good.
जब मैं ये बना रही थी तब मैंने बोला था कि मुझे लग रहा है गड़बड़ हुई है, बट आई वॉज वरिंग फॉर नथिंग बिकॉज ना तो ये वाइट निकला, ये टाइम के साथ अपने आप ट्रांसपेरेंट हो गया था एंड जो बबल जा रहे थे वो भी अपने आप फेड हो गए थे. सो इट टर्नड आउट फाइन एट द एंड एंड देर वर सम इम्परफेक्शंस बट देर वर बेरली नोटिसेबल एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ माई प्रोजेक्ट. एंड आई वॉज सुपर एक्साइटेड टू सी देयर रिएक्शन बिकॉज भाभी रियली वॉन्टेड टू गेट हर जयमाला प्रिजर्व, बट मैंने झूठ बोला था कि वो फ्लावर्स मैं फेंक चुकी हूँ. सो नाउ लेट्स सी द रिएक्शन.